बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल स्पैगेटी, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही इजी रेसिपी है। तो रेसिपी एंड तक देखिएगा ताकि आपको रेसिपी समझने में आसानी हो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को जरूर प्रेस कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हमारी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अपनी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पैन में ऑयल 2 खाने के चम्मच। इसमें हम डालेंगे प्याज 1/2 कप या फिर 1 अदद दरमियानी, और सादे जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे 1 चाय का चम्मच के करीब। तो अब देखिए इसका प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो पेस्ट 1 कप के करीब। इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें हम तमाम अपनी स्पाइसेस ऐड करना स्टार्ट करेंगे। स्पाइसेस में हमारे पास मौजूद है सॉल्ट हस्ब जरूरत, जितना आपको पसंद हो। साथ ही हम इसमें डालेंगे क्यूमिन पाउडर यानी जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च चिली फ्लेक्स 1 खाने का चम्मच, ओरिगानो 1 चाय का चम्मच, थोड़ी देर इसे फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे सोया सॉस 1 खाने का चम्मच। साथ ही इसमें हमने वेजिटेबल्स पहले से ऐड कर दी हैं, जिसमें हमने इसमें डाला है गाजर 1 कप के करीब, उसे हमने बारीक काट लिया था। साथ ही हमने इसमें शिमला मिर्च डाली है 1/2 कप के करीब, और हमने डाली है बंद गोभी 1 कप के करीब। और इन तीनों सब्जियों को हमने जो है लंबाई में बारीक काट लिया था, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। ज़्यादातर स्पैगेटी में इस तरह से लंबाई में काट कर डाली जाती हैं वेजिटेबल्स, तो आपको जिस तरह पसंद हो आप ऐड कर दें। अब इसमें हम डालेंगे स्पैगेटी 250 ग्राम, इसे हमने बॉईल कर लिया था। अब हम इसे स्पून की मदद से या फिर आप फॉक की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। इसे आहिस्ता से आपने मिक्स करना है कि जो स्पैगेटी है वो टूटने ना पाए। तो देखिए अब मसाला इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम केचप डालेंगे। यहाँ पर हम लोग चिली गार्लिक यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी फ्लेवर का केचप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको केचप वगैरह का फ्लेवर अगर आपको नहीं पसंद, सॉस वगैरह नहीं पसंद, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी अपना फेवरेट सॉस इसमें डाल सकते हैं। आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस डालें, आप चाहें तो इसमें और भी तरह की सॉसेज आते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह का आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। तो देखिए अभी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, इसे अब हम 10 से 15 मिनट तक का थोड़ा सा दम दे देंगे। तो अब हमारी दम लगकर डिश रेडी हो चुकी है, इसे हमने डिश आउट कर लिया है। हमारी मज़ेदार सी वेजिटेबल स्पैगेटी रेडी हो चुकी है। ये आप बच्चों के लिए बना सकते हैं, किड्स काफ़ी इन्जॉय करते हैं, किड्स पार्टी में आप बना सकते हैं, उसके अलावा लंच में भी बच्चों के लिए आप बना सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारी कोई भी रेसिपी ट्राई करते हैं तो उसकी पिक्चर लेकर हमें इंस्टाग्राम पर जरूर सेंड कीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो अब मुलाकात होती है आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। अल्लाह निगेबान।